myself Sardar Singh, SPC Government College BM, Associate Professor in Geography. Good morning विद्यार्थियों, आज आपका टॉपिक है BA Part First, Paper Second. टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रेसेज, मानव प्रजातियों का वर्गीकरण गिरपी टेलर के अनुसार. तो सबसे पहले विद्यार्थियों, गिरपी टेलर महोदय ने मानव प्रजातियों के निर्धारण और वर्गीकरण का जो आधार है वो प्रस्तुत किया, और उसके आधार प्रमुख है. सबसे पहला है शारीरिक लक्षण. जिन शारीरिक लक्षणों के आधार पर प्रजातियों का निर्धारण किया जाता है उन्हें दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है. पहला है अनिश्चित या उपरी या बाहरी शारीरिक लक्षण, और दूसरा है आंतरिक अंकाल संरचनात्मक अथवा निश्चित लक्षण. ये दो प्रकार के लक्षण उन्होंने बताए हैं. फिर मानव प्रजातियों के निर्धारण के शारीरिक लक्षण भी उन्होंने बताए, और जिसमें शारीरिक लक्षणों के अंदर सबसे पहला जो आधार उन्होंने माना है बाहरी ऊपरी और अनिश्चित शारीरिक लक्षणों में होठ का आकार यानी होठों की बनावट भी प्रजातियों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. फिर है आँखों का रंग और बनावट, आई कलर एंड फॉइल्स, यानी आँखों का जो रंग है, यानी सामान्यतः सभी प्रजातियों की आँखों का रंग है वो काला होता है जनरली, फिर भी आँखों की जो पुतली है वो मुख्य रूप से रंग उसका हरा नीला या भूरा होता है, और उस आधार पर वर्गीकरण का ये आधार माना हुआ है. तीसरा जो आधार माना उन्होंने मानव प्रजातियों के अंदर, मुख की आकृति, शेप ऑफ दी फेस, सामान्यतः मुख और सिर की जो बनावट है में समानता होती है, संकरा मुख संकरे सिर के साथ मिलता है. तो इस तरह से उन्होंने गिरपी टेलर ने ये भी एक प्रमुख आधार माना, जिसकी इंडेक्स आपके सामने बनी हुई है. दो शीर्षस्थ सूचकांक भी आपके सामने दे रखे हैं. मुख की आकृति दे रखी है, चौड़े मुख मध्यम मुख और लंबे मुख वाले, और इसका जो क्राइटेरिया है वो भी दे रखा है, कितने इंच का है, 85 से बिलो, 85 98 और 98 से अबव. इसी तरह से नाटा कद कितना होता है और मंजला कद कितना होता है और छोटा कद कितना होता है, उसका पैरामीटर्स भी आपके सामने दिया हुआ है. फिर विद्यार्थियों, अगला जो पॉइंट आता है, यानी एक तो मुख की आकृति, फिर शरीर का कद, पांचवा जो आधार है वो बालों की बनावट. बालों की बनावट के आधार पर भी प्रजातियों का वर्गीकरण गिरपी टेलर ने प्रस्तुत किया, यानी सिर के बालों की बनावट को प्रजाति के वर्गीकरण में दो महत्वपूर्ण स्थान दिए. बालों की बनावट पर पर्यावरण तथा आयु, लिंग, जलवायु अथवा भोजन का कम प्रभाव पड़ता है. ये वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होती है, अतः इसका माप संभव है. तो इस तरह से मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के गिरपी टेलर ने ये पांच आधार प्रस्तुत किए, और इस आधार पर विश्व के अंदर गिरपी टेलर ने निम्न प्रकार से मानव प्रजातियों का वर्गीकरण और वितरण बताया है. यानी गिरपी टेलर नव निश्चयवाद या वैज्ञानिक निश्चयवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं. ऑस्ट्रेलिया के ये निवासी थे. उन्होंने प्रजातियों के वर्गीकरण में जलवायु चक्र, प्रजातियों का विकास, प्रवास, माइग्रेशन जोन थ्योरी ऑफ रेस इवोल्यूशन के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण उन्होंने प्रस्तुत किया. उन्होंने माना कि आरंभ में पांच मानव प्रजातियां निग्रो, निग्रिटो, ऑस्ट्रेलॉयड, भूमिसागरीय और पाइन मंगोलियन की उत्पत्ति मध्य एशिया में हिमयुग में हुई थी, हिमयुग से पूर्व हुई थी, और वहीं से ये प्रजातियाँ अन्य महाद्वीपों में फैली हैं. इस आधार पर उन्होंने मानव प्रजातियों को बताया. जलवायु परिवर्तन के साथ साथ मानव प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों में भी भिन्नता उत्पन्न होती है. उन्होंने बालों की बनावट, कापालिक सूचकांक, नासिका सूचकांक, कद, त्वचा का रंग तथा परिस्थिति के प्रभाव के आधार पर सात मानव प्रजातियां बताई है, जो कि यहाँ निम्न प्रकार से हैं. इसके ऊपर विद्यार्थियों, एक विश्व का मानचित्र आपके सामने दे रखा है प्रजातियों के वितरण का, और इसमें विभिन्न प्रजातियों के वितरण को बताया गया है, जिसमें निग्रिटो है,
निग्रो है, ऑस्ट्रेलॉयड है, भूमि सागरी है, नार्डिक, अल्पाइन, मंगोलियन प्रकार की जो प्रजाति है वो गिरबी टेलर ने एक मैप के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया है। सबसे पहली प्रजाति लेते हैं हम निग्रिटो, बहुत पतला सिर होता है और ये सबसे पुरानी प्रजाति मानी जाती है। निग्रिटो के बाद में निग्रो, इसकी एक इंडेक्स आगे दे रखी है विद्यार्थियों और उस इंडेक्स के आधार पर हम अध्ययन करेंगे। ये आपके सामने एक इंडेक्स दे रखी है, सबसे पहले लेते हैं निग्रिटो। इसका जो शीर्ष सूचकांक है कापालिक इंडेक्स है 68 से 70 तक और केशों की आकृति सपाट और छिल्लेदार होती है। उदरों काट 40, नासिका घातांक बहुत छोटी और चपटी सूचकांक यानी 100, शरीर का कद 140 सेंटीमीटर से 158 सेंटीमीटर तो माना जाता है और ये प्राय काले रंग के त्वचा जो वर्ण है उसका काले रंग का होता है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? श्रीलंका है, मलाया, फिलीपाइन, न्यू गिनी, युगांडा, कांगो प्रदेश, कैमरून, अंडमान, पश्चिमी और दक्षिणी अफ्रीका, फ्रेंच इक्वेटोरियल अफ्रीका आदि। दूसरी है विद्यार्थियों निग्रो, जिनका सीरस सूचकांक है 70 से 72 इंच तक, लंबे और ऊन जैसे इनके बाल हैं और क्रॉस सेक्शन इनका 50 सेंटीमीटर तक। नासिका घातांक चौड़ी और चपटी सूचकांक 100, 172 सेंटीमीटर से अधिक लिए लंबे होते हैं और त्वचा का जो कलर है उनका काले रंग के होते हैं। ये जनरली सूडान, पश्चिम अफ्रीका के गिनी तट, नाइजीरिया, घाना, न्यू गिनी के पापुआ प्रदेश आदि में ये निग्रो पाए जाते हैं। तीसरे प्रकार की प्रजाति है विद्यार्थियों ऑस्ट्रेलॉयड, 72 से 74 तक सीरत सूचकांक और ऊन के समान इनके घुंघराले बाल होते हैं। उदरों काट 60, मंजली चौड़ी की सूचकांक 82, नासिका घातांक होता है और शरीर का कद इनका 159 सेंटीमीटर से 167 तक। बाल इनके गहरे भूरे यानी त्वचा का रंग गहरा भूरा और जैतूनी रंग पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी भारत, ब्राज़ील, पूर्वी तथा मध्य अफ्रीका में ये प्रजाति देखने को मिलती है। फिर विद्यार्थियों भूमध्य सागरीय प्रजाति विद्यार्थियों, जिनका सिरस सूचकांक 74 से 77 तक, बाल घुंघराले हैं और इनका उदरों काट 70, नाक, नासिका घातांक मंजली तथा लंबी सूचकांक और सूचकांक इनका 69, हाइट 160 सेंटीमीटर से 170 सेंटीमीटर तक, कलर हल्के भूरे और श्वेत वर्ण के पाए जाते हैं। भूमध्य सागर के चारों ओर अरब है, इराक है, ईरान, उत्तरी भारत, पुर्तगाल, मिस्र और छह महाद्वीपों के बाहरी भागों में ये प्रजाति देखने को मिलती है। फिर नार्डिक विद्यार्थी है ज़्यादातर 78 से 82 तक इनका शीर्ष सूचकांक, लहरदार बाल, छोटा अंडाकार उदरकाट, लंबी तथा उग्र भाग में चोंच के समान मुड़ी नाक, नासिका घातांक सूचकांक इनका 66 से 55, हाइट 156 सेंटीमीटर से 168 सेंटीमीटर, त्वचा का रंग हल्के भूरे और श्वेत वर्ण के पाए जाते हैं और एरियाज के रूप में उत्तरी यूरोप, रूस और भूमध्य सागर के समीपवर्ती भागों में इस तरह की प्रजाति देखने को मिलती है। फिर विद्यार्थियों छठे नंबर की जो प्रजाति है वो अल्पाइन प्रकार की होती है, जिनका शीर्ष सूचकांक 82 से 85 तक, सीधे और 80 सेंटीमीटर तक इनकी काट, पतली सूचकांक 50 में और हाइट इनकी 156 से 165 सेंटीमीटर तक, वर्ण यानी कलर इनका हल्के भूरे व श्वेत वर्ण के, दोनों अमेरिकाओं के केंद्र की और मध्य एशिया के कुछ भागों में, इस तरह मध्य यूरोप में अल्पाइन प्रकार की प्रजाति देखने को मिलती है। मंगोलियन जो प्रजाति है विद्यार्थियों का शीर्ष सूचकांक में 85 से 90 तक, सीधे और चपटे बाल देखने को मिलते हैं। उसका जो नासिका घातांक है वो 80 और नाक पतली और सूचकांक 50, हाइट इनकी 155 सेंटीमीटर से 164 सेंटीमीटर तक, हल्के भूरे श्वेत और पीले रंग इनका पाया जाता है। एशिया के पश्चिम में तुर्किस्तान और पूर्व में मंगोलिया, चीन, जापान और वियतनाम महाद्वीप के तट की ओर इस तरह की प्रजाति देखने को मिलती है। तो इस तरह से विद्यार्थियों हम ये देखते हैं कि जो
ग्रिफी टेलर ने प्रजातियाँ जो बताई है तो उनको प्रभावित करने वाले जलवायु कारक भी उनको प्रभावित करते हैं, भूमि की बनावट भी उनको प्रभावित करते हैं। इस तरह से उन्होंने 5 मुख्य आधार जनजातियों के वर्गीकरण के लिए बताए और 7 प्रकार की जो प्रजातियाँ उन्होंने विश्व के अंदर बताई है। थैंक यू।